आप देख रहे हैं एन भारत, रुक करेंगे देश प्रदेश की खबरों की ओर। नोएडा के सेक्टर 34 में आरडब्ल्यूए के कलातीत अध्यक्ष देवेंद्र वत्स की लापरवाही और निष्क्रियता का सफाई कर्मी फायदा उठा रहे हैं। उनके द्वारा बंद फ्लैट को डंपिंग फ्लैट बना दिया गया है। इसके शिकायत पर सुपरवाइजर आजकल बहाना बना रहे हैं और इसे टाल दे रहे हैं। यहाँ के निवासियों को डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर जानलेवा बीमारियों का डर लगा रहता है। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से है, जहां भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ किया गया है। यह स्वच्छता अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित राजीव कोटकर सभी एनटीपीसी कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि इस मौके पर कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लखनऊ गोल्फ क्लब में आगामी 22 सितंबर से 29 सितंबर 2024 तक 8 दिवसीय लखनऊ नाइट गोल्फ लीग 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी आज गोल्फ क्लब लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोल्फ क्लब के कप्तान आरएस नंदा ने दी है। नंदा ने बताया है कि लखनऊ नाइट गोल्फ लीग 2024 में गोल्फ के शौकीन और गैर पेशेवर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एकत्रित होंगे। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घंटों धू धू कर गैस सिलेंडर जलता रहा। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। खबर फरुखाबाद के नेकपुर 84 के पुल की है, जिसमें एक व्यक्ति प्राइवेट बस पर सवार हो रहा था और बस के हेल्पर ने व्यक्ति को धक्का दे दिया। धक्का देने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पर गिरने से सिर बस के पहिए के नीचे आ गया, व्यक्ति की मौत हुई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि एक घंटे तक शव पुल के ऊपर ही पड़ा रहा। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रही, लेकिन एक घंटे तक फरुखाबाद में कोई भी एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां दो बहुओं ने ससुराल वालों को पीटकर 2 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई है। इसको लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका, कहां के रहने वाले हो? ये जरोला गांव हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यामीन है। क्या घटना हुई आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर ये घटना हुई, हमारे छोटे भाई थे और छोटे भाइयों के ससुराल वाले आए थे यहाँ, और वो पीछे आके हमारी चीज और दो भैंस भी की थी, एक पड़िया भी की थी, और वो पैसा ले गए हमारी माँ पैसे ले गए यहाँ से, और हमारी माँ से और हमारी बहू से और हमारी बहन से उन्होंने मारपीट की यहाँ और लाई और गाड़ी लुट किया, और गाँव बस्ती के सामने सबके सामने वो अपने हमारे घर से लुट करके ले गए। तो सामान क्या क्या ले गए घर से? सामान सर जी हमारी चीज बत्ती थी और पैसा था। कितना पैसा था? दो भैंस बेगी हमने 80,000 रुपए की, एक पड़िया बेगी 38,000 रुपए की। खबर यूपी के फरुखाबाद से है, जहां बिजली के खंभे पर पानी आ गया, जहां करंट लगने से सांड के मौके पर ही मौत हो गई है। बाढ़ का पानी आने से हाहाकार मच गया। आपको बता दें कि बाढ़ का पानी ब्लॉकों के अंदर घुसने से उसमें रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पुष्पा सिंह ठाकुर। कहाँ रहती हैं आप? आश्रम कॉलोनी है बसुगढ़िया। ये एक जानवर की यहाँ पर मृत्यु हुई, कैसे क्या हुई? ये सुबह हुआ है, आज सागे जो खंभे जो रखे हैं उनकी पत्तियों के चक्कर में उसको करंट लगा, करंट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। ये गाय है क्या? सांड है? ये सांड है। ये करंट लगने से? ये करंट लगने से हुआ है। तो इसकी शिकायत आपने की? इसकी शिकायत मैंने अभी तो किसी से की नहीं, फिलहाल मैं 2-3 बार मैं नगर पालिका को फोन कर चुकी हूँ उसको ले जाने के लिए, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कन्नौज से है, जहां करंट के चपेट में आने से 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
क्या नेताजी क्या घटना हुई आपके? घटना ये हो गई लगभग ये सात बजे का मामला है। 11,000 लाइन ऊपर से काफी देर लोग ट्रेन दौड़ता रहा, वो टूट गई उसके बाद, तो लगभग 6-7 घर सबके घर बच्चे जाते हैं उसमें, छोटे छोटे लगभग 10 साल 15 साल 20 साल और बुजुर्ग लोग जाता के लिए। इस समय ऐसा होता है ना, जो लड़के लेता है वो बाहर नौकरी काम वाम करते हैं तो बच्चे जाता रहो औरतें कर जाता लगभग, और लगभग 7 लोग घायल हैं जो तोमर क्या बढ़ती है। लगभग कुल कितनी संख्या, कितने लोग हैं? कुल संख्या कम से 30 लोगों की संख्या। हालत कितनी लोग, कितने लोग ठीक, कितने लोग ठीक? लगभग 6-7 लोग भर्ती हैं और बाकी सब लोग रिफर छुट्टी होकर आगे घर पे आए। कोई ज़्यादा हालत नहीं? नहीं, नहीं, वो सब ठीक है। कोई बिजली विभाग का अधिकारी आया मौके पे? कोई बिजली विभाग वाला कोई अभी तक नहीं। एक 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश संजय यादव, इसको गोली लगी है, गिरफ्तार किया गया है। ये जो शातिर बदमाश था, ये कल न्यायालय कसिया में पेशी पर आया था और पेशी पर न्यायालय से ही ये फरार हो गया था। इसके पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया था। मात्र 12 घंटे के अंदर पुलिस एनकाउंटर में न्यायालय से फरार 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश संजय यादव उर्फ राजा यादव, इसको गोली लगने के बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसपे अन्य भी जनपद जौनपुर इत्यादि से भी इस पर पूर्व के मुकदमे हैं और जनपद कुशीनगर में भी इस पे मुकदमे पूर्व में कायम किए जा चुके हैं। मुजफ्फरपुर के नारायणपुर स्टेशन और मुजफ्फरपुर जंक्शन के बीच रेल हादसा हो गया है। मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। घटना नारायणपुर स्टेशन के पास FCI गोदाम स्थित रेल फाटक की बताई जा रही है। मालगाड़ी के 4 बोगी बेपटरी हो गई है। इससे समस्तीपुर रेल मार्ग पर यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। हादसे के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। ये हमारा रेल जो है भिलाई से आई थी, वो रेल अनलोड होनी थी हमारे सेक्शन में, उसका 4 वैगन आज डेरेल हुआ है। शंटिंग चल रही थी नारायणपुर यार्ड में, तो शंटिंग के दौरान 4 जो हमारे वैगन है वो डेरेल हुए हैं, तो उसका रिस्टोरेशन का भी काम चल रहा है। बिहार में शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन शराबबंदी को लेकर सरकार के दावे दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में एक सरकारी भवन से ही दारू की खेप बरामद हुई है। सरकारी भवन से बरामद होने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मद निषेध और उत्पाद विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के फंदा गांव में एक सरकारी भवन से शराब की 135 पेटी बरामद की है। अंधेरा का फायदा उठाकर धंधेबाज फरार हो गए। शराब सरकारी भवन के एक कमरे में छुपा कर रखी गई थी। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी चिंतामनपुर पंचायत के मुखिया पति मोतीराम के पास थी। इस मामले में चिंतारामपुर पंचायत की मुखिया के पति समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। जी सर, पारू में शराब की बरामद थी। हाँ, पारू थाना अंतर्गत फंदा गांव में महिला विकास मंडल के डिजाइन भवन में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ सामाजिक तत्व हैं, वो शराब छुपा के रखे हुए हैं, जिनके निशानदेही पर छापमारी की गई तो 135 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुआ है। गिरफ्तारी भी की गई? नहीं, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि उसमें मौके से वाहन की आवाज़ और फौज की लाइट देख के फरार हो गए। इसमें 8 आदमी को अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें मुख्य माफिया संदीप कुमार सिंह और विक्रम राय है। कारोबारी को चिन्हित कर लिया गया जी? 8 आदमी का चिन्हित कर।
असामाजिक तत्वों से विवाद हो गया था, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत करा दिया गया, लेकिन दूसरे ही दिन उसको गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। आज सुबह में 11:30 बजे करीब सलखुआ पुलिस को सूचना मिली कि गोड़ियारी चौक पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और पुलिस तत्काल जो है मौके पर पहुंची है। मृतक का नाम है रंजीत कुमार, पिता लक्ष्मी प्रसाद यादव, और सुबह में ये घास लेकर आ रहे थे, वहीं पर 4-5 व्यक्तियों के साथ जो है पुरानी रंजिश के कारण इनका विवाद था, उसी में लड़ाई झगड़ा हुई और उसी में इनको गोली मार दी गई है। इनको सदर ये पहले बख्तियारपुर ले जाया गया, अनुमंडल अस्पताल। एक व्यक्ति की हत्या की गई है, क्या है मामला सर? ये पुराना विवाद चल रहा था और ये रंजीत कुमार जो है पिता लक्ष्मी यादव मेरा मौसेरा भाई था और उसको जो है पुराने विवाद को एक संगठित होकर के गोसपुर के कुछ अज्ञात जो है अपराधी के द्वारा घेर करके गुड़ियारी चौक पर जो है इसको गोली मार के हत्या कर दी। हाँ, सलखुआ पुलिस जो है एक दिन पहले आई थी, 112 भी आई थी और मामला को शांत कर दिया था, लेकिन वो लोग जो है भीतर ही भीतर जो है योजना बना रहा था, आज अकेले में पा करके उसको घेर करके चारों तरफ से पहले खूब डंटा से पीटा, इसके बाद गोली। बिहार के मुजफ्फरपुर में ज्ञानदेव स्कूल जहां बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है, वहां ओजोन परत को बचाने के लिए सेमिनार और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लायनेस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के पदाधिकारियों ने ओजोन परत को बचाने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया और स्कूल के बच्चों को ओजोन परत के महत्व के बारे में जानकारी दी है। ज्ञानदेव स्कूल में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। पूर्वी चंपारण जिला में मोटरसाइकिल सवार दो अपराधियों ने हथियार के बल पर 2 लाख रुपए लूट लिया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अपराधियों ने चांदमारी बलुआ रोड में स्थित भारतीय एयरटेल पेमेंट बैंक के काउंटर पर पहुंचकर पहले एक ग्राहक को पिस्तौल की नोक पर ले लिया, जिसके बाद काउंटर पर खड़े दुकानदार को हथियार दिखाकर 2 लाख रुपए लूट लिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एन भारत।